जल विद्युत परियोजना से पैदा की जाने वाली सस्ती बिजली से भी बिजली कंपनियां परहेज कर रही है। जी हां, यही वजह है कि कई जल विद्युत इकाइयों से बिजली उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। टॉस हाइडल प्रोजेक्ट की 105 मेगावाट की 3 नंबर इकाई फिर बंद हो गई है। यहाँ 750 दिन बंद रहने के बाद 13 जुलाई को ही शुरू की गई थी। यह इकाई प्रतिदिन 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकती है, लेकिन बांध भरे होने के बाद भी 2 वर्ष से उत्पादन नहीं हो रहा है। मात्र 25 पैसे प्रति यूनिट खर्च पर इससे बिजली उत्पादन होता है। एक अनुमान के अनुसार इकाई खराब होने से अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए का विद्युत उत्पादन में नुकसान हुआ है। इसी संयंत्र की 105 मेगावाट वाली 2 नंबर इकाई 5 जनवरी 2022 से बंद है। टोस हाइडल प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना सिरमौर के 105 मेगावाट की यूनिट नंबर 3 में 17 जून 2020 को जनरेटर स्टेटर जल गया था, जो 2 वर्ष 1 महीने में बंद कर 13 जुलाई 2022 को पुनः शुरू हुआ। इस तरह इकाई से लगभग 25 महीने बिजली उत्पादन नहीं हो सका। इकाई शुरू होने के मात्र 25 दिन बाद ही रविवार को सुबह को फिर जनरेटर स्टेटर जल गया है, जो घटिया निर्माण और देखरेख का जीता जागता प्रमाण है। जब बांधों में भरपूर पानी है तो कोयले की तुलना में काफी सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की बदौलत उत्पादन नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी जेनको के इतिहास में सिंगाजी कोल संयंत्र की 3 नंबर 660 मेगावाट यूनिट साल भर से ज्यादा समय से खराब पड़ी है।